कांकेर के जेपरा गांव में दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर के पास न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उनसे बात करते हुए पाए जाने पर 15,000 जुर्माना तय किया गया है और इसकी सूचना देने वाले को 5,000 इनाम देने का ऐलान किया गया है। इस परिवार में 12 सदस्य है। उनकी आजीविका का इकलौता साधन एक दुकान है। हुक्का पानी बंद किए जाने के बाद उनके सामने आजीविका का संकट है। पीड़ित परिवार के मुताबिक पैतृक संपत्ति में शामिल जमीन पर उन्होंने घर बनाया है, जिसे लेकर के सरपंच और प्रमुखों ने हुक्का पानी बंद किया है। हालांकि सरपंच के मुताबिक अन्य निर्माण के लिए रखी गई जमीन पर घर बनाया गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने बातचीत बंद कर दी। तरफा निर्णय लेके हमको हुक्का पानी बंद कर दिए हैं और हमारे जो दुकान है वहाँ कोई आ जा नहीं रहा है, उससे हमारा जो रोजगार है वो सब बंद हो गया है। तो इस प्रकार से हमें हर तरह से जलील कर दिया जा रहा है गांव की तरफ से, और मतलब सदस्य सभी परेशान है। कहीं भी जा रहे हैं तो कोई अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत परेशान है। हम लोग का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है गाँव में, तो उसको बहाल करवाने के लिए हम लोग आए हैं। सर गाँव में ना मतलब हमारे मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान है, किराना दुकान वगैरह है सब है, और ऑटो सेंटर है, कृषि केंद्र है, उसमें कोई आ जा नहीं रहा है सर। 15,000 रुपये फाइन रख दिए उसमें।